बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 आज फैसला होगा। इंटर मैट्रिक परीक्षा पर डेट बढ़ेगा या रूटिंग रद्द होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सभी छात्र मैट्रिक और इंटर के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के लिए कोरोना वायरस के असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के देखते हुए बिहार में कोरोना की लहर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हाई लेवल के द्वारा मीटिंग करने पूर्ण रूप से 7 बजे बैठक होने वाली है। जी हां दोस्तों, 7 बजे बैठक किसी भी हाल में होने वाली है। बिहार में लागू करेंगे पाबंदियां। जिस तरह से बिहार में कोरोना का लहर बढ़ रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 14 साल के बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया गया है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के छात्र 15 से लेकर 18 वर्ष के होते हैं और 15 से 18 वर्ष के बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया गया है और 15 से 18 साल के बच्चे में कोरोना का लहर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर नई अपडेट जारी हो चुका है। वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर बात करेंगे अगले सेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना का लहर देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन लगाने की संभावना में है और नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, एग्जामिनेशन का रूटीन रद्द हो सकता है और परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि कोरोना का लहर तेजी से खेलते नजर आ रहा है, मैट्रिक और इंटर के छात्र को परीक्षा की तिथि बढ़ाने की संभावना है। ये सबसे बड़ा खबर है। BSEB मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2022 होगा कैंसिल। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के छात्र को 18 साल नहीं हुआ होगा, वह बच्चे जो वैक्सीन नहीं लिए होंगे, तो परीक्षा में हॉल में बैठने से कोरोना और तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए इन छात्रों को मौका नहीं दिया जाए। यहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को पटना जिले के 87 केंद्र पर 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के 7269 बच्चों को टीका क्रिएट किया गया है और मंगलवार को 194 टीकाकरण केंद्र पर बच्चों को टीकाकरण की व्यवस्था किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 122 सरकारी हाई स्कूल तथा 27 प्राइवेट हाई स्कूल पटना ग्रामीण क्षेत्र के 100 विद्यालय एवं पटना शहरी क्षेत्र में होंगे टीकाकरण की व्यवस्था, क्योंकि 1 जनवरी को कोरोना मरीजों की संख्या जो है लगभग 380 इस तरह कोरोना का बढ़ते हुए 2 जनवरी 749 और 3 जनवरी 1074 और 4 जनवरी को 1385 बढ़ते हुए मैट्रिक और इंटर के छात्र को रूटीन चेंज होगा, या तो मैट्रिक और इंटर की तिथि बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी यह मीटिंग आज है, आज 7 बजे जो है मीटिंग तय होगा। तय होने के बाद क्या मीटिंग में फैसला लिया जाएगा, पल पल की अपडेट हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलता रहेगा। यदि अगर आप इस वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट्स को शेयर करके बता दो, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर सभी जगह शेयर कर दो, ठीक है। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। सभी स्टूडेंट्स, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको पल पल की अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।